यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने। ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था। वी हैड व्हाट इज दिस एक्चुअली आई फॉरगॉट रोटी नो नो दिस वन इज दिस सब्जी केबेज आलू और केबेज आलू फ्राई एंड रोटी। वो छोड़ो नहीं दिखाएगा अभी आपको, खत्म हो गया। दिस इज द आउटसाइड व्यू ऑफ आवर गेस्ट हाउस। बहुत मस्त जगह है। कल रात को बोला बारिश हुआ बहुत यहाँ पे, तो अच्छा हुआ हमने अपना सामान अंदर घुसा लिया था, नहीं तो भीग जाता पूरा। चारों तरफ ऑरेंज का पेड़ आपको दिखेगा, यू कैन प्लक एंड हैव इट एज वेल। इट्स अ वंडरफुल प्लेस एनीवे। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टेड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट हम यहाँ पे रहा। बहुत ही बढ़िया जगह है, सामने का लैंडस्केप भी बहुत सुंदर है। एक्चुअली क्या ही बताओ आपको, अरुणाचल इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस। ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक NRC इन शॉर्ट। ओके व्हाट इज दिस डिपेंडर? ओके दिस इज याक उल। Sangti Valley. On the way, I need to screw. Yeah. I need to screw my bike. हो गया भैया, कितना दूर भैया? हाँ भैया, चलो। सो विच साइड? ओके चलो। चलो थैंक यू भैया। हाँ थैंक्स टू द ब्रदर हु जस्ट गेव मी अनदर ब्रेथ। अरे वो क्रैक 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 आवाज़ करते रहते, एकदम मज़ा नहीं आता। ओ एक्चुअली मैं बताना भूल गया मैं आपको, कल रात को बोला यहाँ पे बहुत दमदार बारिश हुआ पूरा रात, 3-4 ऐसा बजे तक। तो अभी तो धूप दे रहा है, अभी सूख जाएगा, और स्नोफॉल हो रहा है बोला वहाँ पे सेला में। तो कल जाते वक्त देखेंगे क्या होता है, क्या मिलता है ना। दैट्स इट, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सांगति वैली। यू गाइस कीप वॉचिंग अनदर डे एट अरुणाचल प्रदेश। तो ये रास्ता जाता है सांगति को, और हम अभी जा रहे हैं धीरे धीरे वहाँ पे जाके। हम देरांग रिवर के साइड में ऐसे रिलैक्स करेंगे थोड़े देर। ओके सो वो वाला रास्ता है, गलती से इस साइड में घुस गया। टोटल हिल क्लाइम वंस अगेन। चलो वी आर गोइंग टुवर्ड्स नदी के किनारे, दिरंग नदी किनारे। ऑल्सो आई एम फीलिंग वेरी हॉट। साला बहुत डेंजरस रास्ते रे। अच्छा अभी किधर को जाएगा, कैसे जाएगा अभी? क्योंकि यहाँ पे ना ये फार्मिंग जगह है पूरा, यहाँ पे फार्म करते हैं वो लोग। ये देखो लेफ्ट में कैबेज वगैरह लगा रखा है।
We also have a Sandas house over there. ओके तो यहाँ में बैठ के हम अभी चिल एंड रिलैक्स करेंगे विद नेटफ्लिक्स. ओ नदी किनारे सही में नहा भी सकता है तो हम लोग यहाँ पे ना. इट्स कूल. रुको रुको. वी शुड हैव बॉट फिशिंग रॉड मैन चीफ. वी शुड हैव बॉट फिशिंग रॉड. टाइम पास हो जाता है. कौन सा देना है पत्थर. या डन. नाउ अनविन योरसेल्फ इन द ब्यूटी ऑफ द शांति वैली. अनविन योरसेल्फ इन द ब्यूटी ऑफ द शांति वैली बाय द रिवर ऑफ शांति. यस एंड द स्टोन्स पेबल माउंटेन सो ब्यूटीफुल मैन. सो दिस इज नॉट दिरंग रिवर. No, this is the river called Sangti River. Okay, okay. I thought this is Dirang. If I'm not wrong. Hmm. And we have a sheep farm somewhere here where Australian sheep breed. Only in India, only here it is found. Okay, okay. Australian sheep breed. And it's not the sheep we wanted to see, but the location of the sheep farm. No, very beautiful. Okay, I got it. Okay, then out of the helmet. यहाँ पे एक छोटा सा वुडन ब्रिज बनाया हुआ है. पानी का बहाव बहुत तेज है, काफ़ी तेज यहाँ पे. भैया लोग वहाँ पे बिजी है रील्स बनाने में. वेरी गुड प्लेस एन ऑसम एक्सपीरियंस दैट वी आर हैविंग राइट नाउ. लेकिन एक अलग सा बदबू है, पता नहीं मच्छी सड़ा हुआ है या फिर क्या, पता नहीं, या फिर संडास वंडास किया होगा किसी ने. कांटेदार पेड़, पता नहीं इस पेड़ का नाम क्या है. यहाँ पे छोटा छोटा सा एक फ्रूट जैसा दिख रहा था लेकिन है नहीं, पता नहीं क्या है. तो यहाँ फ़ोटो वगैरह खींच के थोड़ा बहुत हमने रील वगैरह किया, टाइम स्पेंड किया करके अभी हम वापस जा रहे हैं. फिर ऊपर ऊपर जाके देखते हैं शिप फार्म में. बहुत ही बढ़िया जगह था ये, वंडरफुल प्लेस. चिल मारो यहाँ पे आके, एकदम मस्त. ये चढ़ने में मुश्किल होगा अभी थोड़ा. ओके नहीं हुआ इतना. लेकिन चढ़ते वक्त थक भी गया, मुझे गेट बंद करना था लास्ट में. तो आई थिंक ये शिप फार्म का उधर जाता है ना क्या, और मोनास्ट्री होगा कोई. हिमालयन का एक प्रॉब्लम है, हर जगह पार्क नहीं कर सकते. इतना फालतू ना इसका स्टैंड है. तो ये मेरे सामने अभी है शिप फार्म एंड माय ब्रदर इज देयर हु इज हर्डिंग देम. कितना होगा यहाँ पे टोटल ऐसे? अभी अभी आपको टोटल होगा 6-200 पर है. अंदर में? अंदर नहीं, पूरा बाहर लेके गया जंगल में. अच्छा. और ये सब
ये जो कल रात को दिया वाला है बच्चा। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि चल नहीं पाएगा ना वो। ये सब कल का वाला है। कल दिया हुआ है और आज भी दिया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, डर लगता है भाई, ठूसा ना दे। भैया ने बोला यहाँ पे अराउंड 200-250 वगैरह शिप है, और ये सब शिप यहाँ पे जो है ये इन लोगों ने बर्थ दिया है कल, कोई कोई है आज, तो जिसकी वजह से बाकी सबको तो बाहर ले गया लेकिन इनको यहीं पे छोड़ के गए। क्यूट क्यूट बच्चा है शिप का। There are around 200-250 ships here. Huh? Yes. Now the thing is this here. These are all newborn. So that's why they didn't take all this ship out there. Around 200 are out. Where? लेके गया कहीं पे ना, कहाँ पे पता नहीं, बाहर में ले गया बोला। आप यहाँ पे जॉब करते हो? यहाँ पे अभी बैठे। अभी हम बस्ती में जाएंगे, आसपास कहीं पे बस्ती है बोला, वहाँ पे जाके स्नैक वगैरह ड्रिंक्स वगैरह थोड़ा बहुत मिलता है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या मिलेगा। सही है, कभी कभी गर्मी लगता है अचानक से, कभी कभी ठंडा लगने लगता है फिर कुछ कुछ जगहों में, लेकिन अभी बहुत गर्मी लग रहा है। तो मैं निकला था एक हुडी पहन के अंदर, हुडी का ऊपर राइडिंग जैकेट था, तो बहुत गर्मी लग रहा है अभी, तो मैं हुडी निकाल के रख दिया, ओनली ए थिन स्वेट शर्ट एंड राइडिंग जैकेट ऑन। तो रात को एक्चुअली में मेनली जो ठंडा जो होता है ना, रात को ही ज़्यादा लगता है, अभी दिन को तो उतना है नहीं। ऐसा धूप देगा तो दिन को ठंडा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन पानी बहुत ठंडा है, ये बात सही है। द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, चिलिंग कोल्ड इन फैक्ट। यस, ओके, ये थोड़ा झूलता भी है विच मेक्स मी स्केयर्ड अ बिट। ये शायद कैंपिंग साइड है नीचे, थोड़ा पता नहीं, मे बी। तो यहाँ पे हमने पूरा अपना आफ्टरनून टिल इवनिंग, दोपहर से शाम तक स्पेंड किया। वी हैड लॉट्स ऑफ फन, आई ट्राइड टू टेक बाथ विच आई कुडंट, बहुत मज़ा आया। एंड वी आर हेडिंग बैक टुवर्ड्स दिरांग सिटी, मेन टाउन, जहाँ पे दिस इज दिरांग गोम्पा। एक्चुअली थोड़ा और दिन होने से अच्छा होता, अभी तो अंधेरा हो गया है, यहाँ पे 3:30-4 बजे तक अंधेरा हो जाता है। हवा भी एकदम ऐसे बह रहा है ना कि ये एकदम चिल हवा जो होता है ना, ठंडा एकदम, जितना रात होगा जितना अंधेरा होगा उतना टेम्परेचर गिरते रहेगा। वेरी गुड प्लेस, इट्स नॉट इवन स्केयर्ड ऑफ। तो ये बैल एक्चुअली इसका अंदर में वो बोंग, व्हाट डू वी कॉल दैट, डोंग डोंग, डोंग डोंग ओनली, डोंग बैल, बैल नहीं, ये तो बैल है, इसका अंदर वाला को क्या बोलता है, डोंग डोंग, डोंग डोंग। ओके, सो दिस इज द बैल, वी डोंट हैव डोंग डोंग हियर, दिस इज, इसके अंदर में डोंग डोंग नहीं है, पता नहीं मुझे क्या बोलते, मैं भूल गया इसके बाद। तो यहाँ ऊपर से कुछ है ऐसा नज़ारा, अभी रात होने वाला है, गोप्रो बंद करना ही पड़ेगा जैसे भी हो। वहाँ पे हमने अपना बाइक रखा है, वो उधर
ये पता नहीं, मुझे पहले आके लगा था कि ये हेलीपैड टाइप का कुछ होगा, लेकिन ये है नहीं हेलीपैड। और ये यहाँ पे ना ग्राउंड एक आराम से पब्लिक और यहाँ का लोकल लोग आके आराम से बैठ सकते हो, आप रिलैक्स कर सकते हो। इनफैक्ट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस।